हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। कॉलेज सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। कॉलेज सिस्टम ओपनिंग अभी डीप में हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। उसको लास्ट टू वीडियोस मैंने कॉलेज सिस्टम के बारे में अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। आज मैं और भी आपको मूव्स बताऊंगा कॉलेज सिस्टम के, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सभी वेरिएशन, एक भी वेरिएशन आप मिसिंग नहीं करोगे। और एक ही मूव के चेंजिंग में गेम कितना चेंज होता है वो भी आपने लास्ट वीडियो में देख लिया। और आगे भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि क्लासिकल मेन मूव क्या है, क्लासिकल के साइडलाइंस क्या है। आप डीप में एकदम इजी लैंग्वेज में मेरी जो चैनल है उस पर ये ओपनिंग कम्प्लीटली सीख जाओगे और आपको प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑन बोर्ड पोजिशन और सारे मूव्स तुरंत याद आ जाएंगे। ऐसे मूव्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डीप में कोई भी ओपनिंग जब आप तैयारी करते हो तो उसे समझना जरूरी है, उसे गोखना या रट्टा मारना जरूरी नहीं है। समझ के आप तैयार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ओपनिंग के सारे मूव्स आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल मेन मूव, आज जो कॉलेज सिस्टम का पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री मतलब तीसरा वीडियो, क्लासिकल मेन मूव में बता रहा हूँ। पहले D4, नाइट F6, मूव ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, D5 भी हो सकता है। पहले नाइट F3, कई बार ब्लैक यहाँ पे C5 करता है, लेकिन हम D5 देख लेंगे। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से E3 होगा, ब्लैक खेलेगा E6, ये क्लासिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया मूव ऑर्डर बदलने के बाद भी। यहाँ पे आपको खेलना है बिशप टू D3, ब्लैक खेलेगा C5 और C4 स्टॉप करने के लिए B3 जरूरी है। अब देखो जितने भी मैंने मूव बताए सब नेचुरल मूव आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि जब कोई C5 खेलता है तो आपके दिमाग में तुरंत लाइट होगी कि मुझे C4 स्टॉप करना है, तो B3 आप उसी तुरंत ही खेल दोगे। नाइट C6, यहां पे कैसल, कई लोग यहां पे A3 की सलाह देते हैं, A3, पर मेरे हिसाब से A3 गलत है, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ मूव है। A3 इसलिए कि नाइट B4 को आने से रोकते हैं, लोग नाइट से बिशप एक्सचेंज नहीं हुए ऐसा चाहते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको ये सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि एक मूव वेस्ट होती है, चाहे भले ही वो नाइट B4 करके नाइट D3 ले ले, वहां पे बिशप की जगह हमारी क्वीन ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है कॉलेज सिस्टम में। कैसल इज गुड, एक मूव वेस्ट करने से अच्छा है कैसल। कैसल के बाद ब्लैक कैसलिंग की तैयारी करेगा, बिशप D6, क्लासिकल में भी D6 आता है। यहाँ पे आपको खेलना है BB2 और यहाँ पे हो गया कैसलिंग। अब दोस्तों प्लान बेस्ड अटैकिंग ऑन Bishop D3, देखो ये हो गया कंप्लीट क्लासिकल स्ट्रक्चर। टोटल मूव नंबर हो गए 7। सेवंथ मूव में ब्लैक ने कैसल कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक क्वीन C7 एंड एक्सचेंज D4। पहला जो है ब्लैक खेलता है क्वीन C7 और डी जो पोन है उसे एक्सचेंज करता है। चलो यहां पे व्हाइट का मूव होगा 8th मूव, 95 ऑलवेज। अब इतने मूव आपको तैयार कर देने हैं, मान लो कि रट्टा मार देने हैं। ये हो गया क्लासिकल कॉलेज सिस्टम। कैसल के बाद यहाँ पे 95, इतने मूव्स आपने तैयार कर दिए, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट मूव्स है। चले यहाँ देखते हैं ब्लैक खेलता है क्वीन C7, तो क्वीन C7 में ये नाइट पे जब अटैक बढ़ता है 1 2 3 और यहाँ पे दो ही सपोर्ट है, तो यहाँ आपको अटैक सपोर्ट बढ़ाना है, ना कि नाइट को पीछे लेना है। सपोर्ट बढ़ाने के लिए बेस्ट चॉइस है F4, कॉलेज सिस्टम में F4 बेस्ट होता है। ब्लैक C into D4 एक्सचेंज करता है, तो यहां आपको पॉन से लेना है E into D4। उसके बाद देखो पॉन एक्सचेंज करने के बाद Knight B3, यहां पे आपको बिशप नहीं हटाना है, Knight C3 खेलना है इन दिस पोजिशन। Knight D3 और यहां पे आपको Queen D3 करना है। अब देखो ये स्ट्रक्चर व्हाइट की फेवर में है। आइडिया क्या है, एक तो आपके पास अलग अलग मूव्स है, जैसे कि सबसे पहली चॉइस और नाइट टू B4 फॉर्क देके ये स्ट्रॉन्ग बिशप ले लेने के चॉइस,
दूसरा आइडिया है रुक एफ थ्री, तो रुक एच थ्री, रुक को यहाँ पे बैटरी मतलब मैनूवरिंग करना है, और आइडिया है लास्ट में नाइट सेक्रीफाइस। तो ये सारे प्लान से आप खेल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक गेम बताऊंगा, ब्लैक ने नाइट को रोकने के लिए ए सिक्स खेला था, मतलब नाइट बी फोर सबसे पहले स्टॉप किया ब्लैक ने इस गेम में। व्हाइट ने अपना प्लान कंटिन्यू रखा रुक एफ थ्री, ब्लैक रिप्लाई बी फाइव, मतलब बिशप बी सेवन रुक सी एट और आपके क्वीन साइड अटैक का प्लानिंग है। व्हाइट ने अपना प्लान कंटिन्यू रखा रुक एच थ्री से, ब्लैक खेल रहा है बिशप टू बी सेवन, ब्लैक व्हाइट ने रिप्लाई दिया नाइट जी फोर। अब देखो यहां पे जबरदस्त थ्रेट है नाइट सेक्रीफाइस और क्वीन एच सेवन चेकमेट। ब्लैक अगर नाइट टेक्स नाइट करता है तो डायरेक्ट मेट हो रही है। तो इसके रिप्लाई में ब्लैक ने बेस्ट चॉइस नाइट ई फोर, व्हाइट टेक्स द नाइट, डी टेक्स नाइट। और यहां पे वीडियो पोस्ट करके आप दो मिनट सोचिए व्हाइट टू प्लेन बिन, मान लो कि कोई पजल है आपके सामने। चलिए मैं बताऊंगा नाइट एफ सिक्स चेक, अगर किंग जी सिक्स एच सेवन जाता है तो रुक एच सेवन चेकमेट मेट इन टू मोड। अगर पॉन टेक्स नाइट, यहां पे क्वीन जी सिक्स चेक, किंग एच सेवन और उसके बाद क्वीन टू एच फोर, अनस्टॉपेबल चेकमेट की थ्रेट। और यहां पे व्हाइट विन हो रहा है। एक दूसरी गेम है जिसमें इतने पोजीशन के बाद ए सिक्स के बदले ब्लैक ने यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग किया था, बिशप डी सेवन खेला था। यहां भी व्हाइट ने खेला था रुक एफ थ्री, देखो दो दो गेम आपको दिखा रहा हूं इसी पोजीशन से। ब्लैक प्ले रुक एफ सी एट, आर वन एफ वन, ब्लैक रिप्लाई ए सिक्स, यहां पे नाइट को स्टॉप किया, बिशप की थ्रेट भी है। व्हाइट ने रिप्लाई दिया ए फोर ताकि बिशप बी फाइव पॉसिबल ना हो, ब्लैक ने रिप्लाई दिया जी सिक्स, जो नाइट सेक्रीफाइस जी फोर से आता है उसे स्टॉप करने का प्लान है। व्हाइट ने यहाँ पे रिप्लाई दिया जी फोर, आइडिया है जी फाइव का। ब्लैक रिप्लाई दे रहा है बिशप ई एट डिफेंस एफ सेवन पे, क्योंकि जी फोर आने के बाद यहाँ पे एफ सेवन पे थ्रेट बढ़ जाएगी। यहाँ पे व्हाइट ने एक स्टेप पॉन बचा लिया एस थ्री करके, ब्लैक ने रिप्लाई दिया बी फाइव और यहाँ पे व्हाइट ने खेला एफ फाइव। और ये पोजीशन के बाद कुछ मूव्स गेम चलने के बाद सिंपल यहाँ पे ब्लैक व्हाइट गेम विन हो गया है। जैसे कि हम आगे खुद ही देखते हैं कि जैसे अगर कॉन्टेक्स पॉन किया, आप कॉन्टेक्स पॉन कर रहे हो, कॉन्टेक्स पॉन किया तो यहाँ पे नाइट के पर थ्री थ्री अटैक आ रहे हैं, फिर डिफेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं कॉलेज सिस्टम में और भी वेरिएशन हम देखेंगे। क्वीन सी सेवन बट डिड नॉट एक्सचेंज ऑन डी फोर, जैसे कि इसी में मैं बता रहा हूं अभी। सारे मूव हमारे 95 के बाद है, देखो 95 के बाद ब्लैक प्लेड क्वीन सी सेवन, ये क्लासिकल, इतने मूव तो आपको आ जाएंगे। और व्हाइट ने खेला एफ फोर, ये भी हमारा कंटिन्यूस, पर ब्लैक ने ये पॉन एक्सचेंज किए बिना यहां पे नाइट बी फोर कर दिया। तो क्या करना है आपको, यहां भी आपको रिप्लाई देना है नाइट सी थ्री और नाइट बी फोर की थ्रेट है। तो ब्लैक यहां पे खेलेगा ए सिक्स, ए सिक्स जरूरी है नाइट बी फाइव को स्टॉप करने के लिए। यहां आपको खेलना है डी इंटू सी फाइव, ब्लैक खेलेगा बिशप टेक सी फाइव, उसके बाद ई थ्री पे प्रेशर है, यहां पे आपको खेलना है रुक एफ थ्री, नाइट टेक्स डी थ्री, रुक टेक्स डी थ्री, क्वीन टेक्स डी थ्री, सॉरी नाइट टेक्स पॉन टेक्स। तो यहां पे मैं आपको सजेशन दूंगा सी इंटू डी थ्री,
ये बेस्ट चॉइस है क्योंकि सेंटर कंट्रोल आपके हाथ में हो जाएगा और आफ्टर D4 बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके हो जाएगी। व्हाइट हैज ए बेटर डेवलप एंड मोर सेंटर स्पेसिस। तो ये था हमारा सेकंड। अब देखो एक और भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में आपको। ब्लैक अटैक इमीडिएटली बट नो प्लेस ऑन Qc7। जब ब्लैक Qc7 नहीं खेलता है और डायरेक्ट Nb4 करता है, मान लो कि यहां पे ब्लैक ने डायरेक्ट Nb4 किया, तो क्या करना है? डायरेक्ट Nb4, Qc7 के बाद Nb4 और Qc7 देन पॉन एक्सचेंज के बाद Nb4। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। डायरेक्ट Nb4 में आपको करना है पॉन टेक्स पॉन। यहां पे ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप इनटू C5। उसके बाद आपको एक बार बिशप रिटर्न ले लेना है, हमें अब ये बिशप नहीं देना है, ब्लैक की मूव वेस्ट करवानी है। ब्लैक रिप्लाई देगा Bd6 और यहां पे आपको करना है A3, Nc6 रिटर्न जाएगा। यहां पे A3 के बदले अभी भी आप एक बार F4 करके खेलिए, तो ये ज्यादा बेटर पोजीशन होगी। बाद में A3 कर लेना और बाद में बिशप D3, पोजीशन व्हाइट की फेवर में आएगी। F4 में मान लो कि ब्लैक Qc7 करता है, उसके बाद यहां पे C4 के बाद ब्लैक अगर रिप्लाई देता है Nd4 सेंट्रलाइज नाइट। अब आपको A3 करना है, Nc6 जरूरी है और फिर आपको नाइट एक्सचेंज कर लेना है, नाइट टेक्स C6, B into C6, फिर Nd2 यहां भी एक्सचेंज की थ्रेट है तो ब्लैक खेलेगा Nd2 Qd2 और यहां पे A5 और आपको यहां खेलना है B4। अब देखो पॉन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, पॉन टेक्स बिशप टेक्स और पूरी लाइन स्पेसिस सब वाइट की फेवर में है। यहाँ आगे की थ्रेट C5 की भी है। तो ये वीडियो में आपको ब्लैक अटैक्स इमीडिएटली तक हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोले सिस्टम में प्लान बेस्ड 94 के बारे में बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सभी कोले सिस्टम के सभी वेरिएशन हम लोग तैयार कर लेंगे। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।